जबलपुर शहर के खरबी रोड परिसर में हुए हंगामे ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल खरबी परिसर पर स्थित 6 दुकानों के शटर तोड़कर एक ही रात में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां करीब 12 लाख रुपए चोरी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह नागपुर के वाठोड़ा थाने की सीमा के भीतर खरबी रोड पर 6 दुकानों को तोड़कर चोरी करने की घटना से हड़कंप मच गया। मामले में चोरों ने एक या दो नहीं बल्कि 6 दुकानों के शटर तोड़कर दुकानों में प्रवेश किया। अनुमान है कि चोरों ने करीब 12 लाख रुपए की चोरी की है। घटना सुबह तड़के करीब 3 से 5 बजे के बीच हुई है और बताया जा रहा है कि 3 लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे और इस चोरी को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुकी है। इस मामले पर वाठोड़ा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है। आगे की जांच जारी है। रात को दुकान बंद करके तब सोए थे। दिन फुटेज चेक किया तो फिर रात को 3:30 बजे तरबियन हुआ है कि 3 लोग मुंह पे कपड़ा बांध के अंदर घुसे शटर तोड़ के। और यहाँ पे बहुत सारी घटना हुई आज रात वाठोड़ा पुलिस स्टेशन उसके अंतर्गत अभी FIR दर्ज हो रही है। अब वो आए नहीं थिएटर तो बेंड करके अंदर घुसे तीन लोग और उन्होंने किया है सब। पैसे में क्या 3-3.5 लाख के आसपास कैश था और सोने की चेन थी लड़की नाव था। मैं जीवन देवीदास बसने माझी हार्डवेअर ची दुकान है खरबी रोड ऑरेंज नगरला। रात्री 4 ते 4:30 सुमारास माझ्या दुकानाचं शटर फोडलं आणि काउंटरमधून काही कॅश घेऊन गेले। त्याचबरोबर सामोरचे किराणा दुकान आणि त्याचबरोबर 4-5 असे दुकान आमच्या रोडला रात्री चोरांनी फोडले। तरी माझी पोलिसांना विनंती आहे का त्यांनी रात्रीची गस्त आमच्या रोडला वाढवण्याची हे करावी। पोलिसांनी थोडीशी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे कारण की एरियामध्ये चोरी वगैरे जास्त होऊन राहिल्या जास्त प्रमाणात। थोडंसं पोलिसांनी गस्त वगैरे वाढवण्याची आवश्यकता आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।